के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिजनौर के नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने कांवड़ यात्रा और ईद पर फिर से बयान दिया है। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि वो अपने पिछले बयान पर अडिग हैं। साथ ही कहा कि संविधान धार्मिक आजादी देता है और किसी से भी धार्मिक आजादी छीनी नहीं जा सकती है। कांवड़ यात्रा 15 दिन चलती है, उसे इजाजत दी जाती है और ईद साल में 2 बार होती है। अगर उसका सम्मान करते हुए उसकी अनुमति दी जाए तो उसमें क्या दिक्कत है। चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि वो अगली बार कोशिश करेंगे कि सरकार सभी धर्म के लोगों को, जैन, सिख, बौद्ध और मुस्लिम समाज की आस्था का भी सम्मान करे। 30 मिनट अगर गए चंद्रशेखर आजाद हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कांवड़ को लेकर आपका एक बयान चल रहा है कि अगर कांवड़ को रास्ता मिल सकता है तो ईद की नमाज को क्यों नहीं मिल रहा, इसको लेकर आप क्या दरअसल कहना चाह रहे हैं और क्या इसके पीछे? ये अस्पष्ट रूप से हम भारतीय संविधान को मानते हैं, भारतीय